हेलो गाइस, वेलकम बैक एक नए वीडियो में। तो आज जो है डे टू इन वियना, और हम कहाँ जा रहे हैं आज? नाशमार्ट। बट इट्स अ फूड मार्केट, एक स्ट्रीट है जो बहुत फेमस है वियना में, पे काफी सारे स्टॉल्स लगते हैं। जैसे एशियन फूड मार्केट होती है ना, इट्स लाइक अ बहुत लंबी सी गली है, लंबी सी स्ट्रीट है, जहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, वहाँ पे रॉ फूड है, कुक्ड है, पता नहीं, जाके देखेंगे। वहीं जा रहे हैं हम लोग, और हमें यहाँ से नीचे से ट्राम लेनी है। आज लकीली बारिश नहीं है, जैसे कल बहुत बुरा हाल था। जैसे एकदम आपको क्लियर स्काई दिख रहा होगा। आई होप आज हम थोड़ा अच्छे से खुल के एंजॉय कर पाएंगे। भी फूड मार्केट है, उसके बाद हम लोग दो तीन और अट्रैक्शंस देखेंगे आसपास। अभी हम ट्रेन में बैठे हैं और इतने सारे एकदम से इतने सारे बच्चे आ गए, छोटे छोटे, कम से कम 10-12 बच्चे हैं। ये चीज ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये मैंने पेरिस में भी देखा था। यहाँ पे ना बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं पेरिस में, तो बड़ी फैंसी फैंसी होती है, ज्वेलरी मेकिंग, बैग मेकिंग, यहाँ पे भी हो रही थी ना, जैसे अभी पोटरी मेकिंग। बहुत अच्छा लगता है इसे देख के। आई थिंक अपना खुद का क्रॉकरी बना सकते हो आप। बट हम लोग अभी ट्राम से निकल गए हैं, हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं मार्केट, फूड मार्केट। काफी लोगों ने कहा था कि वियना जर्मनी से सिमिलर है, लेकिन मुझे इतना भी सिमिलर नहीं लगा। बहुत सुंदर है, यहाँ पे लोग भी थोड़े अलग हैं, ये जर्मन भी थोड़ी अलग तरीके से बोलते हैं, और ये थोड़ा सा मुझे चीप लगा, एज इन सस्ता लगा। यहाँ पे खाना भी अच्छा है। हाँ, मतलब अभी इतना फर्क पता नहीं चला है। मतलब हमने जैसे इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खाया था, तो हमें ऑलमोस्ट सेम लगा, कम लगा मुझे। हाँ, थोड़ा सा कम ही था, थोड़ा सा ज्यादा नहीं था। अगर किसी को यहाँ पे बजट ट्रिप करनी है तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे खाने सस्ते, खाने के ऑप्शंस बड़े सारे हैं। मतलब खाना इतना एक्सपेंसिव नहीं है, घूमना भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, रहना भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। राइट। पहुंच गए हम लोग चलते चलते, और ये पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरा फूड मार्केट है। थिंक वहाँ पे पूरा आई थिंक उन्होंने स्टॉल्स लगा रखे हैं काफी सारे। चलो ग्रीन हो गया, आ जाओ। पंजाबी छोले, पालक पनीर। वाओ, ये सब भी देखे, छोटी छोटी मार्केट लगी हुई है यार। ये पूरा वही तो है। नहीं, वो तो फूड मार्केट इधर है। अच्छा हाँ, फूड मार्केट वहाँ पर है, और यहाँ पे ऐसे शॉप्स हैं छोटी छोटी। वासाबी, ले लो घर के लिए। ना बाबा ना। ये तो अपने आप ही मिलता है। हाँ, वो तो है। नॉर्मल वाली मार्केट है, प्रॉपर फूड मार्केट नहीं है। छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे टिपिकल टूरिस्टिक स्पॉट्स होते हैं ना यार, ऐसे वाले स्टॉल्स और ऐसे वाली मार्केट्स तो हर जगह होती हैं। नहीं, हाँ हर जगह होती हैं, ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स तो लगे होते हैं हर जगह कहीं ना कहीं। यार वो कौन सी जगह है जहाँ पे साइड में मार्केट है और बीच में ट्रेन चलती है? इट्स इन एशिया ओनली, राइट? बीच में ट्रेन चलती है, हाँ वो वियतनाम है। आई थिंक वो वियतनाम में है। वियतनाम में वो आप ऐसे साइड में जिसमें ट्रेन जाती है, आप साइड में बैठ के खा भी सकते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो अभी हम लोग एक चीज़ की शॉप पे थे। ऐसे यहाँ पे ना लाइन से बहुत सारी शॉप हैं जहाँ पे चीज़ मिलता है, तो ये लोग ऐसे टेस्टिंग करने के लिए देते हैं एक छोटा सा पीस कि देख लो, खा के देखो कैसा लगता है। तो एक बंदे ने हमें बहुत इंसिस्ट किया कि खा के देखो, तो हमने एक छोटा सा पीस खाया। भाई शाहरुख खान के नाम पे उसने हमको टेस्ट कर रखा है। हाँ, पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, हमने कहा इंडिया, तो कहता वो शाहरुख खान, तो इनको इंडिया के नाम से सिर्फ शाहरुख खान पता है, उसके अलावा इनको कुछ नहीं पता। और फिर हमने खाया, तो फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं ठीक है, अच्छा है, गुड, और हम ऐसे आगे चलते बने।
तो फिर कहता कि तुमने खाया बट इट्स नॉट गुड, ये वो, पैसे दो, हाँ खरीद के जाओ, मतलब जबरदस्ती करने लग गया था। तो ऐसा बहुत करते हैं यहाँ पे, आई थिंक वो भंड था, वैसे भी नशे में था वो, पता नहीं कहीं और देख रहा था, कहीं और बात कर रहा था। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो अगर आपके साथ हो तो इतना वो मत करना, डोंट पैनिक, जस्ट मूव अहेड, और हो सके तो खाना भी मत, चलते रहना अपना, क्योंकि ये लोग खाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा ऐसे जबरदस्ती करने लगते हैं कि तुम्हें लेना पड़ेगा। अब अपनी बीवी के साथ दुनिया घूम रहे हो, कैसा लग रहा है यार? पहले तो इतना ऐसे अलग रहते थे, सोचते थे घूमेंगे, अब घूम रहे हैं, वो चीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली अच्छा लग ही रहा है। पहले हम कितनी बातें करते थे भाई, इंस्टाग्राम पे फोटोज भेजते थे कि ये जगह है, यहाँ पे ऐसा खाना मिलता है, यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भूख लग रही है? नॉट रियली, तेरे को लग रही है? हाँ, मेरे को थोड़ी बहुत लगना स्टार्ट हुई है। खा लूंगा मैं, कुछ ना कुछ खा सकते हैं। जब मैं पहली बार जर्मनी आई थी ना, तब मेरा पहला इम्प्रेशन ये ग्राफिक्स वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह को देख के यही था कि ये अभी भी कितनी पुरानी टेक्निक यूज करते हैं, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट, ये चेंज नहीं करना चाहते। जैसे अभी ये जो सिनेमा, ये सिनेमा था यहाँ पे, है ना, इन्होंने कैसे रखा जैसे हमारे यहाँ पहले होता था, मतलब इतना डिजिटलाइज नहीं किया हुआ है इन्होंने। ये लोग अभी भी अपने पोस्टर्स लगाते हैं, अगर कहीं पे कॉन्सर्ट हो रहा है या जैसे ओपरा वगैरह होता है अभी भी यहाँ पे, तो ये लोग ऐसे दीवारों पे या सड़क पे कहीं पे भी ऐसे पोस्टर्स लगाते हैं, और इतना ये लोग डिजिटलाइज नहीं करते हैं जितना हम बाकी जगहों पे देखते हैं, इंडिया में देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक कैफ़े में आए हैं जो बहुत रिकमेंडेड है, बहुत फेमस है यहाँ पे। इसका नाम है कैफे श्वार्ज़ेनबर्ग, श्वार्ज़ेनबर्ग, ये काफ़ी फेमस क्लब, क्लब कह रहा हूँ, क्लब, इसका देख क्लब जाने का मन कर रहा है। कॉफ़ी कैफ़े है, ठंड में बोला नहीं जा रहा यार, कैफ़े है, बहुत पुराना और बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छी हॉट चॉकलेट मिलती है और यहाँ पे खाने का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर 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 हमें यहाँ जगह मिल गई तो हम लोग कैफे में बैठ गए हैं और हम किसी के साथ टेबल शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशंस करानी पड़ती हैं, बट लेकिन आप बाहर लाइन में भी वेट कर सकते हो। तो हम लोग वेट कर रहे थे और बहुत कम टेबल्स थी, तो जो हमारे आगे थे उन्होंने ऑफर किया कि हम साथ में बैठ सकते हैं, तो इसलिए हमें जगह मिल गई और हम टेबल शेयर कर रहे हैं अभी। हाय मिस इज चोकोहोलिक, हाय दिस इज डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। तो हम लोगों का खाना आ गया जस्ट अभी और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, लुक्स गुड, काफ़ी फीलिंग है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा आएगा, बट अच्छा खासा है। तो हम जिस कैफे में अभी खाना खा रहे थे वो कैफे कितना पुराना था भी? तो 1861, मतलब बहुत पुराना है। तो हॉट चॉकलेट, ये जगह हॉट चॉकलेट के लिए फेमस थी। हाँ, और मुझे मज़ा नहीं आया। हाँ मतलब, बट खाना बहुत अच्छा था, खाना जैसे हमने खाया मतलब हमारे एकदम ऐसे पेट भर गया था, ऐसे इतना फीलिंग खाना था। हम यहाँ पे एक स्ट्रीट है जो काफ़ी एक्सपेंसिव स्ट्रीट है, यहाँ पे सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, पीछे देख रहे हैं कितनी अच्छी इन्होंने लाइट्स लगा रखी हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, और ये हर स्ट्रीट पे इन्होंने ऐसे लाइट लगा रखी है। और ये व्यू मुझे बस से दिखा, पता है पहले बहुत सुंदर बस राइड थी, वो बस पूरे ऐसे स्ट्रीट्स में घुमा रही थी, तो हमें सारी स्ट्रीट्स दिख रही थी। हम ब्लेंड के स्टोर में आए, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चॉकलेट्स हैं छोटी छोटी, मैंने इतने सारे ज़िंदगी में नहीं देखे। भाई यहाँ पे हॉट चॉकलेट मिल रही है, गंदी हॉट चॉकलेट पी है अभी, यहाँ की लेके फिर ट्राई करते हैं कैसी, बढ़िया लाइन बहुत लंबी लगी है भाई। कोई नहीं, मैं लग जाती हूँ जल्दी, दोनों ही लगते हैं फिर। करें ट्राई, गरम तो नहीं होगी, थोड़ी सी हो सकती है। ओ ध्रुव भाई ये जबरदस्त है, ये बहुत अच्छी है। हाई चॉकलेट
हमें देख के रिया भी रात को मंगा रही है क्या? हाँ, कह रही है अभी केक मंगवा रही हूँ। भाई हॉट चॉकलेट बहुत सही है, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा है। सोवेनियर शॉप में आए हैं और वो उसका नाम है वर्ल्ड ऑफ सोवेनियर्स और वो बहुत बड़ा है। हमारी हद हो गई, हम अभी एक सोवेनियर नहीं पसंद कर पा रहे हैं, कितनी दुकानों में उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अच्छा वाला ढूंढ रहे हैं। अच्छा वाला मिलेगा, कोई मुझे पसंद आ रहा है तो निमिषा को पसंद नहीं आ रहा, जो निमिषा को आ रहा है मुझे नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से मुझे और निमिषा को एक मैग्नेट पसंद आया। वो साइकिल वाला भी है देख। अबे यार तुझे यहाँ पे ज्यादा पसंद आ रहा है? इसको दिखाती हुई देख, ये फिर एक सोवेनियर शॉप में घुस चुका है। अब इसको कह रही स्कूटर वाला पसंद आ रहा है यहाँ पे। ये लाख गुना अच्छा है तूने जो लिया उससे, इतना गंदा सॉफ्टवेयर खरीद लिया वहाँ से, करती रहूँ इससे अच्छा मैं शॉप। चला चल कुछ और देखते हैं। मोटे क्या है? गोलगप्पे नहीं है ये, वो है क्या नाम है? चुप रहे पापा, तुझे भी पता है वो ऑरेंज था कुछ, देखने में ऐसा लग रहा है गोलगप्पे। किसी को नहीं लगा होगा, वो पीछे मुड़ के देखो देख रहे थे कि कौन लल्लू है। निकल के अब हम आ गए हैं एक और क्रिसमस मार्केट जो उसके थोड़ा सा पास में ही थी। चलो, और यहाँ पे एक जायंट व्हील भी है तो हम सोच रहे हैं जायंट व्हील में जाएं, बट लेकिन ठंड बहुत है। बैठोगे आप जायंट व्हील में? यार हिम्मत तो नहीं है बट लेकिन मन कर रहा है जाने का। जायंट व्हील से कौन डरता है दुप्पी? अरे डर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ठंड ज्यादा है, ठंड है। दिस इज फिटनेस पर्स। ओके, कनिश मिट काटे बिचाले। यार ये बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि डिज्नीलैंड का एक पार्ट है। हाँ, सही में ऐसा लग रहा है, काफी बड़ा है जितनी भी अभी तक हमने क्रिसमस मार्केट देखी है। हमें सबसे अच्छी वाली यहाँ पे टुसॉट्स भी है, वो देखो अभी बहुत अच्छी है। आई कैन नॉट पिक वन हियर। और यहाँ पे झूले भी हैं जो बाकियों में नहीं थे, और झूलों से ध्रुव बहुत डरता है। जायंट व्हील चल रहा है, इसी में चलें? चलें। और ये बंद है, मतलब ये केबिन टाइप है तो ठंड नहीं लगेगी। ठंड तेरे को क्या है, तेरे को डर लगता है? यार मुझे जायंट व्हील से डर नहीं लगता। यार मुझे उससे लगता है जिसमें बहुत तेज तेज घुमाते हैं, ऐसा लगता है मैं उड़ के कहीं गिर ना जाऊं। कैसा सा है ध्रुव ये बंद सा? यार ये ना वो वाला जायंट व्हील नहीं है जो हम समझ रहे थे, हम ये नहीं। बस तू समझ गई तभी। भाई कभी नहीं बोलता झूले पे जाने के लिए, इसको पता था। ये बेसिकली हमें ऊपर ले जाएगा और हमें बस सिटी का व्यू दिखाएगा, ये कोई तेज वेज नहीं चलने वाला है। आए हाय, और ऊपर से यहाँ पे बैठ, यहाँ पे बैठ भी सकते हैं आराम से। भाई पूरी सिटी दिखेगी आपको ऊपर से, भीड़ नहीं है मतलब ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है। नहीं हम ही हैं, हम ही दो हैं। उसको बोल उसकी मोटर तेज कर दे। हम लोग निकल गए हैं क्रिसमस मार्केट से और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। अभी 11 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद होने वाली हैं, तो हम फटाफट से कुछ खा के अपने एयरबिन भी जाएंगे और हम लोग कल घर निकलेंगे वापस। तो हमारे पास कल का भी देना है बट हमारी जो ट्रेन है वो कल रात की है। हम आप लोगों से फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वी होप आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा देख के कि वियना में कैसे क्रिसमस मार्केट्स हैं। और या तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।